अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपकी फौजिया खान और आप देख रहे हैं फौजिया खान की लोग। और मैं आपको आज ये बताऊँ, मैं तो खुद हौसला हार चुकी थी और मुझे देखिए हौसला हौसला ये आ चुकी थी, मैंने सोचा था मैंने यहाँ ब्लॉक नहीं करा, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरी तबीयत भी कितने दिन से खराब थी और किसी से कॉल पर बात भी नहीं कर रही थी, मैं अपने ब्लॉक में नहीं बना रहा था। ये है मेरी छोटी सी सिस्टर शाजिया खान और ये इनके हस्बैंड हैं, ठीक है ना। ये दोनों मुझसे आज मिले हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, तीन घंटे होकर मुझे समझा रहे हैं और मुझे मना रहे थे कि आप खुद ही आपने ब्लॉग बनाए, उसकी वजह ये आपको खुद बताता है नहीं कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। तो इन्होंने आज मुझे हौसला दिया, ये इन्हीं से अभी मतलब बात करें, आपको ये खुद बताएंगे। आप लोगों ने जवाब देना, ठीक है। आप ही ने मूवी बनानी है आपकी, जो भी बना रही थी ना व्लॉग वगैरह, आप ही ने बंद कर दी है। तो आप ही को आप शेम भी करें, आपकी हालात भी बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ तक आप ही के घर में राशन वगैरह भी मिलता, आज मैं आई हूँ, हम लोगों ने आप ही की मदद भी की है, आप लोग भी आप ही की मदद करें। और आप ही का अपना घर भी नहीं है, आप ही को प्लीज आप मेरी आप ही की मदद करें, आप ही को अपना घर भी देख दें। मुझे पता आप लोग मेरी आप ही की मदद करोगे, अल्लाह के बाद आप लोग हैं और अल्लाह है उसके बाद आप लोग हैं। आपके अल्लाह आपको देता, आपका आपके सदके अल्लाह मेरी आप ही को दे, ठीक है ना। तो आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरी आप ही की मदद करें, मेरी आप ही बहुत गरीब है, माशाल्लाह इसके चार बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के साथ दूर मुश्किल से मेरी आप ही गुजारे, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो मैं फौजिया खान की दवा आया हूँ, तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी किसी को नहीं बोलें, क्योंकि अगर कोई इंसान अपने लिए कुछ कर रहा है तो आपके गलत कमेंट की वजह से वो इंसान आपका हौसला हार जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो हम भी मुझे आप के पास इसीलिए आए थे कि आप परेशान ना हो, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि ना कोई अच्छा काम कर रहा हो उसके बारे में गलत बोलना। तो ये तो हम आम इंसान हैं, मतलब कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, तो जो हमारे नबी पैगंबर थे सहाबी थे उनको इन लोगों ने छोड़ा, तो हम तो फिर आम इंसान, तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि आप गलत कमेंट ना करें। हाँ, अगर कोई कर रहा है तो आप भी जो ना उसको जो ये बात करें कि किसी को गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा कहने से पहले अपना गिरेबान देख लेना चाहिए कि मैं खुद कितना अच्छा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगले इंसान को ये सोचना चाहिए। लिहाजा आपका जी नाज़रीन, आपने देखा सुना आपने ये शादिया बाजी और मेरी बहनों सब भाई, इनका नाम इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और तब मैं आपके सामने ये नया ब्लॉग लेके आई। तो फिर मैं आपको यही कहूँगी और आप मुझे कमेंट में ये जरूर लिखना, मेरी सिस्टर आस्था बोलती है इनका गला खराब रहता है जैसे मेरा भी गला खराब होता है, और ये मेरे बहनों भी स्लो बोलते हैं, माशाल्लाह समझे और समझदार पढ़े लिखे हैं ये। हाँ, मैं नहीं पढ़ी लिखी, ये मेरी छोटी सिस्टर है तो उनसे ज़्यादा ही समझदार है, इन्होंने आके आज मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे घर के लिए कुछ राशन दिया। और आज कितने दिनों से मैं ये दिल में सदमा लगा के बैठी थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो इनके हौसले से मैंने आज ये ब्लॉग बनाया। क्योंकि तो कहते ना नेकी कर दे रहा मैं घर किसी के साथ, मैंने भी ऐसे नेकी कर दी है पिछली दोबार, वो मेरे अपने इरफान, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मेरा भाई आमिर खान, उसके साथ मैंने एक भलाई की है, तो उसने मेरे साथ जो किया है वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। इस वजह से मेरे दिल भी टूट गया और उसमें से कुछ लोग उठ के मुझे गलत कमेंट्स करने लग पड़े, फिर इन्होंने आके मुझे हौसला दिया, फिर मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया और मुझे ये बताना तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, और मेरी आप ही से भी तो क्या लगा कैसा लगा। और ये सियालकोट से आए और इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर लिखें और आपकी दुआओं की मुझे ज़्यादा सख्त जरूरत है। और इसी के साथ ही बाबा जी सियालकोट लाभ से सियालकोट आए।
है।